दुनिया भर में स्वास्थ्य मुसीबत एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगी है, जिसका असर व्यापार पर भी दिखने लगा है। खासतौर पर सर्विस सेक्टर इससे सबसे ज्यादा प्रभावित दिख रहा है। भारत में सर्विस सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों पर भी इसका असर साफ साफ देखा जा सकता है। हालात ये हो गए हैं कि कंपनियां अपने कर्मचारियों के छंटने को मजबूर हो रही हैं, तो कब तक मुश्किल में रहेगा देश का सर्विस सेक्टर, देखिए ये रिपोर्ट। 2020 की शुरुआत से ही देश के आर्थिक हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। 2019 से 2020 में देश की जीडीपी 4.2% की तेजी से बढ़ी, रही सही कसर इसके बाद शुरू हुई स्वास्थ्य मुसीबत ने पूरी कर दी और 2020 से 2021 की पहली तिमाही में जीडीपी विकास दर -23.9% पहुंच गई। दूसरी तिमाही में ये -7.5% रही। इसका असर नौकरियों पर दिखा और करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO की रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 2021 की पहली तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में GVA यानी सकल मूल्य वर्धन 39.3% रहा। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ये -50.3% रहा है। बिजली में ये -7% है। उद्योग में GVA -38.1% और सर्विस सेक्टर में -20.6% रहा। अब इसे लेकर और बुरी खबर आ रही है। IHS मार्केट के इकोनॉमिक एसोसिएट डायरेक्टर पोलियाना डी लीमा ने कहा कि देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है। अब सर्विस सेक्टर की रफ्तार भी धीमी पड़ने लगी है। कारोबार कमजोर रहने से नियुक्तियां रुक गई हैं, श्रमिकों की कमी और मांग घटने से भर्तियों पर रोक लगा दी गई है और दूसरी तरफ लोगों को नौकरियों से भी निकाला जा रहा है। ऐसे में आने वाले समय में देश में रोजगार की समस्या और ज्यादा बढ़ सकती है। DB लाइव की रिपोर्ट।